दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनोखे मंजर में। तो दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं रामपुर शहर के तमाम गेट, जितने भी गेट रामपुर के अंदर हैं आज हम आपको अपने चैनल में दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों रामपुर के गेट दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों इस गेट का नाम है बी अम्मा गेट। ये गेट जो है मुरादाबाद और बरेली रोड पर स्थित है और ये गेट मोहम्मद आजम खान साहब ने बनवाया है। तो दोस्तों बहुत सुंदर गेट ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब चलते हैं अगले गेट पर। मोहसिन आजम गेट के नाम से ये गेट मशहूर है। ये गेट जेल रोड पर, जेल के बिल्कुल कॉर्नर पर है, जहां रामपुर की जेल स्थित है उसके कॉर्नर पर ये गेट मौजूद है। और दोस्तों क्या खूब गेट बना हुआ है ये, देखिए दोस्तों। और चलते हैं अब ये इसकी बैक साइड में। देखिए मोहम्मद आजम खान साहब ने गेट बनवाया है, मोहसिन आजम गेट के नाम से ये रामपुर में जेल रोड पर मौजूद है, जो कि बिल्कुल जेल के पास, रामपुर की जेल के पास ये गेट स्थित है। दोस्तों बहुत मज़ा आएगा आज, आज हम दिखाएंगे सारे गेट रामपुर के। तो देखिए अब चलते हैं अगले गेट पर। दोस्तों ये जो गेट है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मौलाना इम्तियाज खान अर्शी द्वार के नाम से मशहूर है रामपुर के अंदर। दोस्तों ये गेट भी मोहम्मद आजम खान साहब ने बनवाया है, समाजवादी की पार्टी के दौर में ये गेट बनवाया गया है। दोस्तों मजा लीजिए आज रामपुर के गेटों का, एक एक करके हम आपको रामपुर के गेट दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले गेट पर। तो दोस्तों ये गेट है हामिद गेट के नाम से, जो कि यहाँ रामपुर की रजा लाइब्रेरी का मुख्य गेट माना जाता है। तो दोस्तों बीस शहर में ये गेट मौजूद है और ये नवाब हामिद अली साहब ने ये गेट बनवाया है। तो दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत गेट ये है और रामपुर में एक से एक बेहतरीन गेट बने हुए हैं। बहुत पुराना गेट ये बना हुआ है। तो दोस्तों मज़ा लीजिए गेटों का रामपुर के। और चलते हैं अब अगले गेट पर। दोस्तों यह गेट रजा लाइब्रेरी का पूरब की साइड वाला गेट है और यह गेट WC राइट गेट के नाम से मशहूर है। जिन आर्किटेक्ट ने रजा लाइब्रेरी का निर्माण किया था, बनाया था, मतलब जो बनाया था, जो इंजीनियर थे रजा लाइब्रेरी के बनवाने वाले, ये उनके नाम से ये गेट मशहूर है। रजा लाइब्रेरी WC राइट नाम के इंजीनियर ने बनाया है और जो कि फ्रांस से ताल्लुक रखते थे, यानी कि फ्रांस के रहने वाले थे, तो ये उन्हीं के नाम से ये गेट मशहूर है। रजा लाइब्रेरी के दो मुख्य गेट हैं, एक हामिद गेट के नाम से जो हम दिखा चुके हैं और दूसरा गेट ये WC राइट के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों देखिए इसकी भी खूबसूरती लाजवाब है। दोस्तों अब हम चलते हैं रामपुर के अगले गेट पर। देखिए दोस्तों ये गेट ईदगाह गेट के नाम से मशहूर है। यह गेट मोहम्मद आजम खान साहब ने बनवाया है, जो कि समाजवादी की हुकूमत में उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, ये उन्हीं के द्वारा ये गेट बनवाया गया है। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं रामपुर के एक से एक बेहतरीन गेट, मजा लीजिए। देखिए कितनी खूबसूरती इस गेट के अंदर दी गई है, बहुत बारीकी का काम इसमें दिखाया गया है, किया गया है। देखिए दोस्तों जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत रामपुर के अंदर गेट मौजूद हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले गेट पर। देखिए दोस्तों ये बापू मार्केट रामपुर के अंदर मौजूद है और उस बापू मार्केट का ये मुख्य गेट है, जो बापू मार्केट के नाम से मशहूर है और ये भी मोहम्मद आजम खान साहब ने
बनवाया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अनोखे मंजर को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स और शेयर भी करना। थैंक यू।